असलमेकम तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आप लोगों के ट्वेल्थ क्लास के कई बुक का चैप्टर नंबर फोटी जिसका नाम है खेती ठीक है और इस चैप्टर के राइटर यानी कि मुसन्फ़ है अमीक़ हनफ़ी क्या नाम है अमीक़ हनफ़ी ठीक है और ये जो चैप्टर है ये नज़म है कविता है इंग्लिश में बोलते हैं पोएम एवरी टाइम आई हैव टोल्ड यू दिस पॉइंट ओके तो सबसे पहले इस चैप्टर के राइटर के बारे में यानी कि मुसनफ़ के बारे में हम लोग समझेंगे उसके बाद खेती नाम के इस नजम को कविता का मैं आप लोगों का क्या करूँगी खुलासा करूँगी फिर क्वेश्चन आंसर के साथ इस वीडियो को हम लोग कम्प्लीट करेंगे ठीक है तो सबसे पहले समझिए मुसनफ़ के बारे में अमीर हनफ़ी का असल नाम यानी कि उनका रियल नेम है अब्दुल अजीज़ हनफ़ी क्या नाम है उनका रियल नेम आ, अब्दुल अजीज हनफ़ी ठीक है उनकी पैदाइश यानी कि उनका जन्म हुआ है उन्नीस में मध्य प्रदेश के ज़िला इंदौर के मियाँ छावनी में वो मियो मी, छावनी में पैदा हुए हैं ठीक है उन्नीस सौ अट्ठाईस ईस्वी में कौन अमीर खनफ़ी ठीक है आगे देखिए तारीख़ और सियासत की मजामी में एम किया है अमीर खनफ़ी जो है ना वो तारीख़ और सियासत का मतलब होता है हिस्ट्री और पॉलिटिक्स ठीक है तो हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में उन्होंने एम किया है ठीक है और फलसफा मौसी और अद्वियात से ताल्लुक़ रहे ठीक है फ़लसफ़ा यानी कि फ़िलासफ़ी मौसी यानी कि म्यूज़िक और अदबियात यानी कि लिटरेचर तो फ़िलासफ़ी म्यूज़िक और लिटरेचर से इनका ताल्लुक़ रहा है ठीक है मौसी भी अमी खनफी किए हैं म्यूज़िक वगैरह ठीक है ऑल इंडिया रेडियो में स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत से वो तवील मुद्दत तक मुलाजमत किए हैं ठीक है उनका ऑल इंडिया रेडियो में स्टेशन डायरेक्टर के पोस्ट पर उनको जॉब मिला था और वो मतलब बहुत तवील मुद्दत तक यानी कि लंबे समय तक इस जॉब को किए हैं ऑल इंडिया रेडियो में जाकर डायरेक्टर के पोस्ट पर वो रहे डायरे क्या नाम है स्टेशन डायरेक्टर के पोस्ट पर बहुत लंबे समय तक फिर वहाँ से उनका रिटायरमेंट हुआ ठीक है अमीफ खनफी जो है उनका पहला मजमू यानी कि पहला किताब का क्या नाम है संग पैरा ठीक है याद रखना है इनकी कुछ तवील नज़में भी हैं यानी कि लंबा लंबा कविता है ठीक है जैसे कि मैं लिख दी हूँ यहाँ पर देखिए सिंधबाद शहजादा शे, सूरतुल सूरतनाकूस ये सब क्या है इनकी तवील नज़में यानी कि लंबा लंबा कविता है ठीक है वगैरह वगैरह बहुत सारी इन्होंने तवील नज़में लिखे हैं ठीक है अमीर खनफ़ी का इंतकाल यानी कि उनका मौत हो गया है उन्नीस सौ अट्ठासी ईस्वी को दिल्ली में ठीक है अमीर खनफ़ी जो है उनका इंतकाल कब हुआ वो इस दुनिया से कब रुखसत हो गए तो उन्नीस सौ अट्ठासी ईस्वी को कब कहाँ तो दिल्ली में ठीक है तो ये हो गया आप लोगों का अमीर खनफी के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगों को याद रखना है अब चलिए हम इस खेती नाम के नज़म को कविता को इसको समझ लेते हैं देखते हैं कि अमीर खनफी जो है वो इस कविता में क्या हैं चलिए इसका ख़ुलासा करते हैं पहले ले लीजिए यहाँ तक फटाफट फट स्क्रीन अब चलिए जरा इस चैप्टर को समझ लेते हैं इस नज़म का मैं खुलासा कर देती हूँ देखिए इस खेती नाम के नजम में जो है ना हम एक हनफ़ी जो है वो वक्त के बारे में बताए हैं अब देखिए चैप्टर का भले ही नाम है खेती ठीक है लेकिन इसमें जो मरकज़ी किरदार है मेन कैरेक्टर है जिसके बारे में बताया गया है वो है वक्त अमी खनफ़ी जो है ना इस नज़म इस कविता में बता रहे हैं कि जिस तरह जो किसान होता है वो सर सर सब्ज़ की खेती करता है ठीक है सब्जी वगैरह अपने खेत में उगाता है ठीक है उसको पानी देता है उसकी निराई करता है मतलब उसको बोता है और बोने के बाद जब फल फसल उग जाता है तो उसको काट लेता है ठीक है बिल्कुल उसी तरह जो है ना इंसान इंसान जो होता है वो वक्त की खेती होता है किसान जो है वो सर सब्ज़ की खेती करता है और जैसे ही खेत में वो जो फसल उगता है उसको काट लेता है बिल्कुल उसी तरह इंसान जो होता है वो वक्त की खेती होता है टाइम की ठीक है समय जो है वो इंसान को फलने फूलने का मौका देती है ठीक है इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ का लुत्फ उठाता है हंसी खुशी ठीक है हर चीज़ का ठीक है और जब वो मतलब उसका समय हो जाता है इंसान का वो आ, तो वक्त क्या करता है उसको मतलब बिल्कुल फसल की तरह काट लेता है यानी कि एक दिन उसका इंतकाल हो जाता है ठीक है तो वही चीज़ हमें खनफ़ी इस चैप्टर में बताए हैं चलिए मैं आप लोगों को पढ़ बता रही हूँ लिखे हैं वक्त की खेती हम वक्त बोता है उगाता पालता है और बढ़ने के मौक़े भी हमें देता है वक्त सब्ज़ को जर्रे बनाने की इजाज़त मरहमत करता है और नाचने देता है बाद के मौ, आ, मौजों के साथ झूमने देता है सूरज की किरण की हमदमी में चांदनी पीकर हमें बदमस्त होता है पाके खुश होता है वक्त हम हाँ अगर कार काट लेता है हमें हम बला आखिर उसके लुक में हम बला आखिर उसके फसल देख रहे हैं इस जो है ना न नज्म में में खनफी यही बताए हैं कि जो वक्त होता है वो वक्त है जो है वो हमें फलने फूलने का मौका देता है ठीक है हमें वक्त हमें बढ़ने का मौका देता है ठीक है जिस तरह किसान जो होता है सर सब्ज़ की खेती करता है ठीक है बिल्कुल उसी तरह जो हम लोग हैं वो वक्त की खेती है वक्त हम लोग की खेती करता है ठीक है वक्त जो होता है हर तरह के हमें मौाक़ी देता है हमें हंसने खेलने बोलने कुछ सीखने की ज़िंदगी में कुछ करने की और जब हम वो सारी चीज़ें हासिल कर लेते हैं और जब हम लोगों का वक्त आ जाता है तो वक्त क्या कर लेता है हम लोगों को काट लेता है वो आखिर में क्या करता है हम उसकी फ़सल बन जाते हैं वक्त की ठीक है जिस तरह किसान का वो खेत में फ़सल बन जाता है बिल्कुल उसी तरह हम लोग जो हैं वो वक्त की फसल बन जाते हैं और जिस तरह किसान अपने फ़सल को काट लेता है बिल्कुल उसी तरह जो वक्त होता है जब हम इंसान वक्त की फसल बन जाते हैं तो वक्त भी हम लोगों को काट लेता है यानी कि हम उस वक्त इंतकाल कर जाते हैं मर जाते हैं हमारी मौत हो जाती है ठीक है और ये इस चीज़ इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि वक्त खुश होता है सही बात है जैसे जैसे वक्त कटेगा आप अपनी जिंदगी में रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ भी सीख रहे हैं और लगातार वक्त क्या गुजरते जा रहा है तो जैसे 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 वक्त जो है वो गुजरते जाएगा ठीक है वैसे वैसे वक्त खुश होगा कि चलो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है फसल बढ़ रहा है यानी कि धीरे धीरे अब इंसान के मरने का वक्त आ गया है अब इसकी मौत आएगी ठीक है तो वक्त खुश होता है जब वक्त आप लोगों का जब आप लोगों की मौत की वक्त नज़दीक होती है तो ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो है ना मे खनफी इस खेती नाम के नजम में बताए हैं बस इतना ही है आप लोगों का ये कविता ठीक है और इसी के साथ आप लोगों का चैप्टर नंबर फोटीन जो है ना इस नजम का ख़ुलासा मैं कंप्लीट कर दी अब चलिए ज़रा इस सवाल इस चैप्टर के सवाल को देख लेते हैं सवाल स्टार्ट होता है आप बताए से यानी कि आप लोगों को बताना है सबसे पहला सवाल है क्या खेती एक पाबंद नज़म है ये जो खेती नाम का कविता है नज्म है ये पाबंद नजम है नहीं जी बिल्कुल नहीं ये आज़ाद नजम है ठीक है आज़ाद नज्म मतलब आज़ाद नज्म मैं आप लोगों को बार बार बताई हूँ कि आज़ाद नज़ उसको कहते हैं जिसमें कोई पाबंदी नहीं होती है रोक टोक नहीं होती है कि, कि कितना लंबा नजम होना चाहिए उसमें काफ़ी और रदीफ़ होना चाहिए ऐसी कोई रोक टोक नहीं पाबंदी नहीं होती उस तरह के नजम को हम आज़ाद नजम कहते हैं तो बिल्कुल उसी तरह ये जो नजम है ये आज़ाद नजम है आज़ाद कविता है ठीक है ये पाबंद नज्म नहीं है ठीक है देखिए दूसरा सवाल है खेती की हैयत क्या है यानी कि खेती ना नाम के इस नज्म इस कविता का क्या है ये किस तरह की नजम है तो ये है आज़ाद नजम ठीक है तीसरा सवाल है इस नजम के शायर कौन है ठीक है तो इस नज़म के शायर हैं अमेक हनफ़ी ठीक है याद रखिएगा चार नंबर सवाल है और बढ़ने के मौक़े भी हमें देता है वक्त क्या यह मिस्रा नजम की खेती से माखूज है और बढ़ने के मौक़े भी हमें देता है वक्त क्या ये जो मिसरा है ये लाइन है खेती नाम के नजम में लिखा है तो जी बिल्कुल लिखा है ठीक है पाँच नंबर देखिए सवाल है सब्ज़ को ज़र्रे बनाने की इजाज़त हमें कौन मरहमत करता है ठीक है सब्ज़ को जर्रे बनाने की इजाज़त हमें कौन देता है तो वो देता है वक्त ठीक है छः नंबर सवाल है सूरज की किरण की हमदमी में क्या वक्त हमें झूमने देता है जी बिल्कुल सूरज की किरण की हमदमी में वक्त जो है हमें झूमने देता है ठीक है आगे बढ़िए सात नंबर सवाल है क्या तमाम इंसान वक्त की खेती है तो जी बिल्कुल हाँ जितने भी इंसान हैं इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सभी जो है वक्त की खेती हैं आठ नंबर सवाल है क्या तमाम इंसान वक्त के लुक में है? जी बिल्कुल सभी इंसान जो है वो वक्त के लुकमे हैं वक्त का वो लुकमा जो होता है ना जिसको गांव तो के लोग बोलते हैं कौर एक कौर दो क़ौर ठीक है तो बिल्कुल उसी तरह वक्त जो है वक्त के हम लोग लुकमे हैं जितने भी इंसान हैं वो वक्त के लुकमे हैं हर किसी को एक ना एक दिन मरना है हर किसी का एक ना एक दिन मौत फिक्स है ठीक है तो जब वो मौत हो जाता है तो वो जो है वक्त का वो लुकमा बन जाता है इंसान ठीक है नौ नंबर सवाल है क्या वक्त नज्म खेती का मरकजी किरदार है ये जो नज्म है खेती इस खेती नाम के नजम में वक्त को मरकज़ी किरदार बनाया गया है मेन कैरेक्टर बनाया गया है तो जी बिल्कुल इस खेती नाम के नजम में वक्त को यानी कि टाइम को जो है वो क्या बना दिया गया समय को मरकजी किरदार यानी कि मेन कैरेक्टर बनाया गया है अब देखिए तफसली गुफ्तु की बात आती है जिसमें आप लोगों को तफसील से लिखना होता है लम्बा चौड़ा सबसे पहला सवाल है हम वक्त की खेती किस तरह है नज्म खेती के हवाले से जवाब दीजिए ठीक है हम लोग जो हैं वक्त की खेती कैसे हैं ये सारी आप लोग को लंबा चौड़ा बताना है ठीक है दूसरा सवाल है वक्त इंसानों को क्या मौाई देता है इस नज़म की रोशनी में वाजह कीजिए जो है ना वक्त टाइम समय वो इंसान को कौन कौन से मौके देता है तो मैं आप लोगों को ही, वो सारी चीज़ें आप लोगों को लंबा चौड़ा एक एक कर कर लफ्ज़ों को सजा कर लिख लेना है ठीक है तीसरा सवाल है वक्त क्यों खुश होता है वक्त इसलिए खुश होता है क्योंकि जब इंसान वक्त को गुजारता है और जब वक्त के नज़दीक होता है तो वक्त इसलिए खुश होता है कि चलो अब ये मेरा लुकमा बन जाएगा इंसान ठीक है जो इंसान है वो एक तरह से फसल तैयार हो जाता है अब उसको उसकी मौत का समय आ जाता है और इसीलिए वक्त बहुत ज़्यादा खुश होता है कि चलो ये इंसान जो है ये लुमा बन जाएगा अब मेरा ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं चार नंबर सवाल है क्या नज़म खेती एक पुरस्त नज्म है जी बिल्कुल ठीक है तो इसको लंबा चौड़ा कर कर आप लोगों को लिखना है और हम मगर अंजाम कार काट लेता है हमें हम बिला आखिर उसके लुक में हम बिला आखिर इसके फसल दर्ज झैल अकतबास की तशरी कीजिए इस जो मैं आप लोगों को पढ़ कर बताई हम अगर अंजाम कार काट लेता है हमें हम बिला आखिर उसके लुक में हम बिला आखिर हम उसकी फसल इसका क्या करना है आप लोगों को तशरी करना है खुलासा करना है कि इस जो है ना बंद का क्या मतलब हुआ ठीक है तो तस््री कर देना है तो इसी के साथ आप लोगों का चैप्टर नंबर फोर्टीन जो है वो क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट होता है इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट कर कर पूछ सकते हैं जो कुछ भी मैं समझा रही हूँ अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियोज़ को लाइक और शेयर तो बनता है वीडियोज़ को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने पड़ोसियों के पास अपने दोस्तों के पास और हाँ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज